जो भी जिंदा दिखते हैं उन सबकी निंदा होती है और निंदा से घबरा कर साथी जिंदा रहना छोड़ न देना। और राजनीति गंभीर विषय है, लफंदरों पर छोड़ न देना। संकुचितम यशो यत यत कीर्ति पातम रघुराज पुत्र शस्त्र एवादि कवेह प्रभाव न कोपनीयाः कवयो क्षितेन्द्रय। जो जयम छेत पुत्रात शिष्यात पराजयम। दुनिया में और सबसे तो विजय की आकांक्षा करनी चाहिए, लेकिन पुत्र से और शिष्य से पराजित हो जाने की इच्छा रखनी चाहिए। सिर कटने से जो जाति नहीं डरती है, आजाद जगत में वही जाति रहती है। और आजाद जी के बारे में पहली बार आल्हा गायन सुनकर के मैं बहुत अभिभूत हूं। और हमारे सम्मुख बैठे हैं भैया, क्या नाम है? पंडित राम लखन तिवारी जी। और उनसे हमको लगता है कि उम्र में लगभग आधे पंकज तिवारी जी हैं और लड़के हैं। तो संस्कृत में एक बात कही जाती है कि अन्येभ्यो जयम् इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। दुनिया में और सबसे तो विजय की आकांक्षा करनी चाहिए, लेकिन पुत्र से और शिष्य से पराजित हो जाने की इच्छा रखनी चाहिए। और आप बड़भागी बाप हैं कि पंकज आपके पुत्र और शिष्य हैं, तो आप बारंबार उनसे पराजित होइए। और पंडित जयकिशोर मूर्ति जी बीच बीच में कह ही रहे थे कि आपको शर्म तो नहीं लग रही है बेटे से, बेटे को आगे। तो पुत्र और शिष्य दोनों हैं, तो इसलिए मैं पंकज जी के लिए कहते हैं कि जल से पंकज की, पंकज से जल की, जल और पंकज दोनों से जलाशय की शोभा बढ़ती है। कंगन से कलाई की, कलाई से कंगन की, और कंगन और कलाई दोनों से हाथ की शोभा बढ़ती है। चंद्रमा से रात की, रात से चंद्रमा की, और चंद्रमा और रात से पूरे आकाश की शोभा बढ़ती है। कविगण से सभा की, सभा से कविगण की, कविगण और श्रोता दोनों से पूरी सभा की शोभा बढ़ती है। मेरी बलवती इच्छा है कि मैं सभी कविजन को सुन करके जाऊं, क्योंकि लिखा है महाकवि बिल्लर ने विक्रमांक देवचरितम में, लंका पते संकुचितम यशो यत यत कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र शस्त्र एवादि कवेह प्रभाव न कोपनीयाः कवयो क्षितेन्द्रय। कवियों के प्रभाव से छोटे लोग बड़े और बड़े लोग छोटे हो जाते हैं। इसलिए शासन सत्ता को चाहिए कि वह दुनिया में किसी और को भले नाराज कर दे, कवियों को नहीं नाराज करना। अब मैं डॉक्टर राम विलास शर्मा जी से, जनपद के कई लाल हैं लेकिन दो लाल ऐसे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मैंने कहा। डॉक्टर राम विलास शर्मा जी जिनकी यह जन्मस्थली है, हिंदी जात की अवधारणा को जन्म दिया और जातीय चेतना के विकास पर जोर दिया। डॉक्टर राम विलास शर्मा जी मार्क्सवादी, मार्क्सवादी चिंतक और समालोचक होते हुए भी उन्होंने ऋषियों मुनियों की तरह साहित्य की समीक्षा की है और ध्वंसात्मक आलोचना का सूत्रपात किया है। भाषा और समाज और परंपरा का मूल्यांकन उनकी दो ऐसी रचनाएं हैं जिनका कर्ज पूरे हिंदी साहित्य जगत पर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने तानसेन, ताजमहल और तुलसीदास की त्रिवेणी का परिचय जगत को कराया। डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना की दूसरी परंपरा जो शुरू करने वाले थे, उन सबको ध्वस्त करके प्रथम आलोचना को ही, जिसमें वामपंथ के साथ साथ संत पंथ को भी निभाया, ऐसे संत मार्क्सवादी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं जिनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाते उनके दोस्त और दुश्मन दोनों थे,
और महापुरुषों के दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं साथियों, महापुरुष कभी अजात शत्रु नहीं होते। मैंने लिखा है कि जो भी जिंदा दिखते हैं उन सब की निंदा होती है, जो भी जिंदा दिखते हैं उन सब की निंदा होती है, और निंदा से घबरा कर साथी जिंदा रहना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है लफंदरों पर छोड़ न देना। जो भी जिंदा दिखते हैं उन सब की निंदा होती है, जो भी जिंदा दिखते हैं उन सब की निंदा होती है, और निंदा से घबरा कर साथी जिंदा रहना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है आवारों पर छोड़ न देना। और यहां विश्वगुरु पदवी खाते हैं, यहां विश्वगुरु पदवी खातिर पूरी कोशिश जारी है, और मोदी योगी और द्विवेदी सभी देश